स्टूडेंट करेंगे 1.1 चैप्टर ऑफ सेकेंडरी बुक 2 फॉर क्लास 7 और इसकी प्रैक्टिस ना 1 कर लेंगे. हमें यहाँ पर उन्होंने दो मेथड दिए हैं विच इज़ यूनिटरी एंड प्रोपोर्शन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. बहुत आसान, क्लास 3, 4, 5 में आप यूनिट और रेट का करके आए हुए हैं, पीछे आपको समझ है. बस यहाँ थोड़ा सा आपको जो है ना सीनियर क्लास की वजह से लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल की गई मैथमेटिकल वे में कि आपको ऐसा लगे कि जैसे आप ना अब बड़ी क्लास में और आपने इसको अच्छे तरीके से लेकर चलना है. हैं ये बच्चों वाले सवाल. अब देखें, 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स अगर $2.10 की हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम्स ऑफ स्वीट. तो 380 ग्राम स्वीट्स की आप कॉस्ट भी मालूम करें, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि आंसर अपना जो है ना वो नियरेस्ट 5 सेंट में आपने देना है. अगर आपके पास आंसर आता है 82, 83 कोई भी आंसर आता है तो आपने उसको 5 तक ले जाना है. जैसे 80 आया तो आपने 85 में बताना है, 70 आया तो 75 में बताना है, या 65 में, आपको जो नियरेस्ट लगता है कि वो 5 में हम बता सकते हैं उस तरह आपको इसको शो करना है. स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं. आपको बचपन से स्टेटमेंट बनानी आई हुई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. 50 ग्राम्स ऑफ क्या हैं, स्वीट्स हैं, ठीक है, और वो कितने की कॉस्ट कर रही हैं, वो तकरीबन $2.10 की कॉस्ट कर रही हैं. अब हमें क्या निकालना है, हम यूनिटरी मेथड से स्टार्ट करते हैं. ये दो मेथड है हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर 2. अभी हम नंबर 1 से करेंगे, हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे. अगर 50 ग्राम जितनी है तो इसमें 50 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो हम एक यूनिट देख लेते हैं कि एक ग्राम कितने का है. तो एक ग्राम को मालूम करने के लिए हम $2.10 को ऊपर रखेंगे, 50 को नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड के लिए आपको पता है आपको अलाव है वहाँ पर यूज़ करना, सॉरी 2.10, अच्छा, और इसको डिवाइड करें विद 50. इक्वल किया तो हमारे पास कुछ इस तरह आ गया. ये SDK बटन को दबाएंगे तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा, 0.042 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है. तो हमारा यूनिट प्राइस क्या निकला है यहाँ पर, 0.042, ठीक है. अब हमारे पास क्योंकि यूनिट निकल आया है तो अब हमें इसको 380 ग्राम्स की जो है ना फाइंड आउट करने की कॉस्ट वो आसानी हो जाएगी. वो कैसे होगी, 380 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ स्वीट्स कॉस्ट कितनी. अब इसी स्टेटमेंट को आपके पास ये यूनिट निकल आया, आपने ये जहन में रखना है, आपने अगेन इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि अब आप सीनियर वे में जा रहे हो, सीनियर क्लास है, तो आपने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है 380. हमें पता है कि हमने इसका यूनिट प्राइस क्या निकाला है, इसको काटने के बाद हमने इसका यूनिट प्राइस निकाला ये. अब आपके पास ये समझे यहाँ रखा हुआ है, आपने इसको काट लिया है और अब आपने डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर निकाल लेना है. यहाँ से हम इसी को मल्टीप्लाई का बटन को प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे 380, ठीक है, और इस तरह आंसर आया. अगेन जब आपको इस तरह फ्रैक्शन में आंसर आया तो आपने SD इस बटन को प्रेस करना है तो आपके पास आंसर डेसिमल के अंदर आ जाएगा, विच इज़ 15.96, ठीक है, ये डॉलर्स हैं. अब तीसरा काम उन्होंने क्या कहा है कि नियरेस्ट 5 सेंट में, सॉरी 5 सेंट कैसे लिखना था, N यहाँ लिखना था, सेंट में आपने आंसर देना है. तो हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट कर देंगे, हमें नियरेस्ट 5.95 लगता है, तो हमने अपना आंसर निकाल लिया. कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, बचपन में आप करते आए हैं, अब आपको यूनिट निकालना आता है. ये है इसका यूनिटरी मेथड. अब सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, प्रोपोर्शन मेथड. ये भी इंतहाई आसान है. आपको रिकॉल करना होगा अपना क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस का करते हुए आए हैं. उनमें आपको पता है ना कि सेंटर में इक्वल का साइन होता है और हम जो इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट रखा होता है वो जाता है आपके दूसरी तरफ इक्वल के, और वहाँ जाके अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है. तो ये है प्रोपोर्शन मेथड. मैं आपको बताती हूँ प्रोपोर्शन. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्योंकि हमें x इसके अंदर बताना है, ठीक है, प्रोपोर्शन मेथड में हमें x लाना है क्योंकि हमें नहीं पता कि 380 ग्राम्स ऑफ स्वीट कितने के हैं. तो प्रोपोर्शन में हम सबसे पहले करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स एज डॉलर एक्स. आपने उसको एक्स
समझ लिया, ठीक है, कि वो एक्स है, हमें नहीं पता कि वो क्या है। यहाँ आपने जो प्रोपोर्शन मेथड का पीछे मैं वीडियो में आपको सिखाया था कि आपने वैल्यूज यहाँ पर बनानी है कि किस हिसाब से आप उसको लेकर चलोगे। तो हमारे पास ग्राफ में क्या रखा, हमारे पास एक्स वन रखा हुआ है और वाई वन रखा हुआ है, यानी हम इस तरह करके एक्स एक्सेस और वाई से लेंगे। एक हमने वैल्यू ले ली, हमने एक एक्स से उठा ली, एक वाई से पॉइंट उठा लिया, ठीक है। अब सेकेंड हमें लेनी है, वो भी अगेन एक्स से लेनी है, एक्स टू ले लिया और वाई टू ले लिया। हमने ये बना लिया इस ग्राफ की मदद से, क्योंकि हमें ग्राफ पर अगर शो करना है तो हमें इन वैल्यूज को पुट करने के लिए इसी को हम आगे डबल करेंगे, इसी को आगे चेंज करेंगे, ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पुट करना है सारा डाटा। देन हमारे पास x जो है ना वो आ गया x1, ठीक है, क्योंकि हम पहली वैल्यू जो हम उठाएंगे वो x1 उठाएंगे, तो हमने ये x ले लिया जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, नीचे लिखेंगे 380, क्योंकि हमें यही मालूम करना है ना कि 380 ग्राम्स कितने की हैं। दूसरा दोनों हमारे पास मौजूद हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2.10 है और 50 है, यानी x2 और x y2 ये हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हम सिंपली इसको x को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि x यहाँ बाहर रह जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 380। अब इसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ जब लेकर जाना है, ऐसे इसको इक्वल से इधर लेकर जाना है, तो ये सेक्रीफाइस करता हुआ जाएगा डिवीजन वाली अपनी पोजीशन को हटा के, यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो सिंपल से आपने इसको 2.1 या 10 आपने लिखना तो 10 लिख दें, कोई मसला नहीं है, 50 मल्टीप्लाई बाय 380। अगेन हम देखें उसी पोजीशन में आ गए हैं ना, तो बस इसमें आपने ये वाला स्टेप लेट करके ना एक्स को ये करना है, अदरवाइज बाकी सारा यही प्रोसीजर आपका नीचे तक चलेगा और आपने फिर वैसी आंसर दे देना है। हमने इसका वैसी आंसर निकालना है, यहाँ हमारे पास क्या निकला था ऊपर 0.042, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकला 15.96 और इसको एस्टिमेशन में हम लेके गए नियरेस्ट 5 में, 5 सेंट में, तो 15.95।